नवी मुंबई की झोपड़पट्टियों में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार चल रहा है। इसका खामियाजा भी हाल ही में देखने के लिए मिला रबाले के अंबेडकर नगर में। खामियाजा यह है कि नशे के कारण तमाम बच्चे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और इसके निदान के लिए, इसके समाधान के लिए, इसके नियंत्रण के लगातार प्रयास कर रहे हैं पूर्व मेयर सुधाकर सोनौने साहब। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की स्थितियां आपको नजर आ रही है? देखिए कि मैंने जो म्युनिसिपल कमिश्नर को साप्ताहिक हमारा जो मीटिंग होता है उसमें चिट्ठी लिखी थी और कहा था और बहुत खेद जताया था कि देखिए ये सिर्फ झोपड़पट्टी का मामला नहीं, ये पूरे शहर को तबाह करने वाला मामला है, क्योंकि कोई बारूद का मतलब वहाँ पर ये बनाया रहा है, अगर चिंगारी सुलगती है तो सिर्फ अकेला अंबेडकर नगर या भीमनगर नहीं जलेगा, तो ये पूरा नई मुंबई को घातक हो सकता है। और ठीक वैसे ही होते गया। अब 6 महीने में आप देखोगे कई बार किसी के ऊपर वार करना है, किसी हाथ काटना है, किसी का खून बहाना है। अभी हाल ही में एक हो गई थी तो को वो मुमरा देवी के पहाड़ पे एक लड़के को जिंदा जला डाला। ये सारी प्रवृत्ति कहाँ से आती है? अब मुझे देखिए, परसों हमारे यहाँ से एक बच्चा जो चौथी का है वो घर में रहता है, माँ बाप काम करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने का ये नहीं है और चला गया। और 4 दिन के बाद में एक भंगार बेचने वाले के साथ में वो पाया गया वहाँ पर दीघा में, कि पुलिस भी क्या करेगी, आपका चौथी का बच्चा है, वो माँ बाप उसको संभाल नहीं पा रहे, तो पुलिस कहाँ उसको बैटरी लेके ढूंढेगी। मैंने 2 साल लगातार जब शाहूजी महाराज विद्यालय मैंने चालू रखा तब कई लोगों ने टीका टिप्पणी की, RTI में वहाँ पर मांग की, स्कूल क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, अरे वो नहीं चलाते तो यहाँ ये संस्कार केंद्र है, ये अच्छे संस्कार नहीं होते तो क्राइम रेट बहुत बढ़ता था। जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी नशे में जा रही है, ऐसे तो लगता है कि हमें पड़ोसी देश से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही आपस में ये करके, क्योंकि क्या है, नशा किया, किसी को चाकू खोप दिया, अरे वो तो नशीला था, वो तो गंजेला था, लेकिन मरा तो आदमी ना, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी क्राइम रेट को कम करना है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि आप स्थानीय पुलिस और थाने का जो म्युनिसिपल ये है और कलेक्टर का जो नशा मुक्ति वाला जो स्टाफ है उनको साथ में लेके अभियान चलाए, घर घर जाए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे, वैसे नशा मुक्ति अभियान 20 साल पहले बहुत जोरों से नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता था, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते थे, तो आज भी हमें घर घर जाके इसके बारे में जागरूकता करनी पड़ेगी, लोगों में इस प्रकार से अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस प्रकार से, हम कभी कभी दिखाते हैं कि अरे देखो सुपरस्टार खान का बच्चा वो इतना करोड़ का हीरोइन पिया, इतना करोड़ का ये पिया, अरे वो कोई मतलब दिखाने वाली, वो टीवी में दिखाने वाली बात है कि इसकी राजनीति छोड़ दो, उसके चलते नीचे क्या हो रहा है, नीचे जो काम करने वाला पुलिसकर्मी है उसके ऊपर किस प्रकार का प्रेशर आ रहा है, और उसको कुछ नहीं होता तो इसको क्या होगा, कितने जेल भरोगे आप, कितनी लोक संख्या हमारे पास, ये सारी चीज़ों के लिए हमें टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और उस कार्यक्रम को उस प्रकार से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ये संभव है। ये जितनी भी प्रवृत्ति यहाँ आ रही है उसको हमें या तो शिक्षा केंद्र और या तो पुलिस बल जो है कि सिर्फ मतलब सजा देने के लिए, मारपीट के लिए नहीं होना चाहिए, पुलिस दल को सक्षम करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास दारूबंदी और नशाबंदी का एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय पे जमीनी हकीकत क्या है वो कभी किसी ने देखी नहीं है, उसको यहाँ आके काम करना चाहिए। जैसे शहर बढ़ेंगे समस्या बढ़ेंगी, जैसे लोग बस्ती बढ़ेंगे, जैसे नगर का विकास होगा, सारे समस्याओं का वहाँ पर बढ़ता ये दिखाई देगा। आपने सर लगातार महानगर पालिका आयुक्त को, कलेक्टर को और पुलिस विभाग को आपने लगातार इसके लिए निवेदन दिया, खत दिया है, क्या कार्रवाई आपको नजर आ रही है? देखिए जो नशे के सौदागर है, पहले तो लगता था कि गांवटी दारू से इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन जिस प्रकार के नशे के एक एक नाम मैं सुनता हूँ डर लगता है। अरे छोटे छोटे बच्चे नशा करके उसको मालूम नहीं है, अरे बाप को भी नहीं छोड़ता, वो बाप को बोलता है अरे तू कौन है तू, मतलब वो इस प्रकार की गाली देता है। एक लड़का हमने देखा 11 साल का है, 50-50 लोग उसको समझाते हैं, अरे उसके बाप को बोलता है ला तेरे औरत को, मैं तेरे औरत को नंगा करके करता, क्या बात है, कहाँ तक पहुँच गया ये बच्चे, कहाँ और किसके चपेट में आ रहे हैं, उनको ढूंढना चाहिए और उनके ढूंढने में हमें वो उस प्रकार की पहल करनी चाहिए। आखिर आपके इतने शिकायतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने, चाहे वो महानगर पालिका हो या चाहे पुलिस हो,
क्या पहल करते हुए नजर आए आपको, क्या वाकई कुछ कार्रवाई हो रही है? अभी किसी ने कंप्लेन किया है कि ये आदमी गांजा बेचता है, उसको लेके गए, दो दिन रखा, छोड़ दिया, क्योंकि गांजा बेचने वाला दो पूड़ी साथ में रखता है, उसका स्टॉक नहीं होता है, तो वो उधर जाके स्टेटमेंट देता है कि मैंने ये कंज्यूम करने के लिए लिया था, कहाँ से लिया था मालूम नहीं है। यानी पुलिस भी तो कहाँ काम करेगी, वो तो अप्रूव के ऊपर काम करेगी ना। तो हमें जिस गाड़ी से माल जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, इसके लिए स्क्वाड निर्माण करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ अगर पुलिस के पास जो कानून मौजूद है उसमें अगर उनको पाबंदी लगाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे जो अधिवेशन होते हैं साल में 3 बार, उस समय इसको वहाँ पर बिल के माध्यम से लाना चाहिए, उस पर संशोधन करना चाहिए, और संशोधन करके जो इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई लगनी चाहिए, वहाँ मौका लगना चाहिए, उनको अंदर डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें है ना, वो कानून में प्रावधान तो आपके पास है, आप उसमें पूरा सुधार कर सकते हो, उसमें आप सारी चीज़ें कर सकते हो, आपका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। तो ये सारी जो जिम्मेवारी है, ये सारी जिम्मेवारी सामाजिक तौर पर राजनीतिक नेताओं की है, सरकार की है, पुलिस की है, यानी सरकार की है तब सरकार के सारे डिपार्टमेंट की है, तो सारे डिपार्टमेंट उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे क्या? तो वो होगा तब ही, मतलब सुधीर जी ये हो सकता है, वरना ये हाथ से बाहर जा रहा है। नशा मुक्ति केंद्र बहुत सारे जगहों पर चलाए जाते हैं, सरकार का अलग से मंत्रालय है कि नशे के जो कारोबारी हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगे। क्या जमीन पर ये सरकार की योजनाएं दिख रही हैं, क्या सरकार के विभाग जो ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? सरकार का कोई भी अभियान मुझे ये स्वच्छ भारत के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई, ना नशा मुक्ति वाला दिखाई दे रहा है, ना सर्व शिक्षा अभियान दिखाई दे रहा है, ना बेरोजगारों का दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन में भी पुलिस अगर चाहे तो बंद कर सकती है, नहीं सरकार का इच्छा शक्ति चाहिए। हम बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर वकीलों का देश है, ऐसा नहीं है, ये बेकारों का देश करके सामने आ रहा है, उभर रहा है। सरकार को कानून में संशोधन करना चाहिए और कानून को सख्त से सख्त अमल बजावनी करने के लिए जो नीचे अमल बजावनी करने वाले हैं उनको मजबूती देनी चाहिए। अब झोपड़पट्टियों में खासकर स्कूलों तक अभी ये नशा पहुंच गया है और घर घर तक पहुंच रहा है, गली मोहल्ले में पहुंच रहा है, क्या संदेश आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो खासकर जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं? मैंने कहा कि भाइयों, आपके बच्चों के मतलब देखिए मजबूर तो लोग होते हैं, सुबह काम पे चले जाते हैं, बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसे में भी अगर माँ या तो बाप दोनों अगर बच्चे पे ध्यान रखे, कम से कम बाहर घूमने दे, स्कूल तक पहुँचाए, अच्छे केंद्र में डाले, तब ही जाके बचेगा, वरना बच्चे को कितने टाइम तक आप घर में, क्यों घर भी चाहिए उतना बड़ा, अगर घर छोटा है और वही अगर दो बच्चों के साथ में माँ बाप है तो माँ बाप को प्राइवेसी नहीं मिलेगी, तो बच्चे को थोड़ा बाहर भेजेंगे तो बच्चा दूसरे काम में गलत लगा जाएगा। ये सारी जो मजबूरियाँ है एक दूसरे के साथ कड़ी बनी हुई है, इस कड़ी को सुधार करने के लिए हमें कई नीतियों पर काम करना पड़ेगा। कि जिस तरह की प्रवृत्ति अभी झोपड़पट्टी इलाकों में बन रही है, जो नशे के सौदागर हैं वो युवाओं को और छात्रों को अपना शिकार बना रहे हैं और वो नशे के ऐसे आदि बन रहे हैं जो अपराधों में भी लिप्त हो रहे हैं, इसका परिणाम ये होगा कि जो हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर या प्रोफेसर या कुछ अच्छा इंसान बन पाए, तो ये बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों के ऊपर गंभीरता से ध्यान दें, तभी इसका निदान और समाधान संभव हो सकेगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।